इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल होता है सिक्किम में आज के सवाल हैं दूध सागर फॉल्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया गागरून फोर्ट है दिस इज इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिस इज लोकेटेड इन विच स्टेट इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आई यू सी एन कहा पर है इंदर किला नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया नाल बना बर्ड सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया सो दीज आर फाइव क्वेश्चन आज की पॉजिट मतलब होता है प्रस्तुत करना पॉस्टूलेट कैस्टिगेट का मतलब होता है आलोचना करना रिप्राम सीवियरली रिब्यूक एडमोनिश एग्जासपरेट मतलब होता है परेशान करना इरिटेट एंड फ्रस्ट्रेट समली का मतलब होता है उपासना अ फीलिंग और एक्ट ऑफ ग्रेट रेस्पेक्ट एडमायरेशन और डिवोशन मीन्स होता है बहुत वैभवशाली दिस इज अ लग्जरी मील स्प्लैंडेड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग सो ये वोकेबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आज सिक्सटींथ ऑफ मार्च है आज के ये दो सवाल हैं और आज हम प्लस टू साइकिल फॉलो कर रहे हैं तो जो मंडे को जो क्वेश्चन थे उनका आज अपन आंसर डिस्कशन भी करेंगे दिस इज द हिंदू मार्च सिक्सटींथ वेंसडे सो आज हम न्यूज देखने वाले हैं वियरिंग हिजाब कर्नाटका कोर्ट का ऑर्डर है दिस इज मीडिया वन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मिसाइल लॉन्च में एडिटोरियल में वी विल टॉक अबाउट प्राइस प्रेशर्स वाइट शीन मिस फायरिंग एंड इट्सिटी भरतनाट्यम और इसी बैकड्रॉप में वैसे ये इंडियन डिप्लोमेसी के बारे में लिखा है बट इस बैकड्रॉप में जो इंडियन स्टेट के फोक डांसेस है हम उसपे एक आंसर राइटिंग करेंगे द एलिप्स ऑफ सोवर एंड इक्वेलिटी सुप्रीम कोर्ट अवर्स है टू सील्ड ओवर जोर स्टूडेंस सील्ड कवर जूर स्टूडेंस दैन दिस इज प्राइवेटाइजिंग रेलवेड नेशन का रिजोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट वन रैंक वन पेंशन हेल्थ मिनिस्ट्री मिक्सिंग ऑफ वैक्सीनेशन देन दिस इज यूएस एंड जो यूक्रेन क्राइसिस है विल गेट अ न्यू क्या डेवलपमेंट है विल गेट टू नो दिस इज अबाउट क्रूड ऑयल चाइना का लॉकडाउन कोविड नाइन्टीन फिर आ रहा है एंड दिस इज स्पोर्ट्स एंड इंडिया का सोलर कैपेसिटी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसमें हम जानेंगे सोलर एज अ मेन स्ट्रीम एनर्जी सप्लाई डिलीवर कर सकता है या नहीं एक्सीडेंटल मिसाइल लॉन्च है नो योर इंग्लिश एंड एप्पल स्टोर सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट थर्टी टू थर्टी फाइव मिनट्स सो सी ये फ्रंट पेज में फर्स्ट न्यूज है ये न्यूज है वियरिंग हिजाब इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा इट हेल्थ दैट वियरिंग द हिजाब इज नॉट इन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लाम एंड इज नॉट देयर फॉर

ये जो पूरा इशू है ये इशू है अबाउट यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म का अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एवरीबडी इज़ सिमिलर एक्चुअली स्कूल्स में स्पेशली यूनिफॉर्म पे इसलिए भी एम्फेसिस किया जाता है कि जो ग्रोइंग एज है चिल्ड्रन एवरीबडी इज़ इक्वल किसी भी टाइप का वहाँ पे इनक्वलिटी नहीं हो कि लाइक सम वन पेरेंट्स आर रिच तो अच्छा यूनिफॉर्म है एक्सपेंसिव क्लोथ्स है सम वन नॉट तो वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा है या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास कास्ट किसी भी टाइप का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं हो डिस्क्रमिनेशन नहीं हो इसीलिए जो यूनिफॉर्म है इसका प्रैक्टिस किया जाता है स्पेशली स्कूल चिल्ड्रन में जब वो ग्रोइंग एज होता है ग्रोइंग माइंड होता है सो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने इन सब मैटर को देख कर पॉइंट्स को देख कर ये डिसीज़न यहाँ पर डिक्लेयर किया है ये डिसीज़न है कर्नाटका हाईकोर्ट का तो ये द ड्रेस रो था कर्नाटका में और इसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने यहाँ पर ये डिसीजन लिया है देर इज सफिशेंट इंट्रेंसिक मटेरियल विद इन द स्क्रिप्चर इट सेल्फ टू सपोर्ट द व्यू कि यूनिफॉर्म जो है वहाँ पे वो सेम ही रहने का ट्राई किया जाएगा सो दिस इज दिस न्यूज सुप्रीम कोर्ट स्टेज टेलीकास्ट बैन ऑन मीडिया वन अब ये न्यूज हमने पहले भी देखा था गवर्नमेंट जैसे मीडिया हाउसेस को स्टॉप uh, कर रही है उनका कंटेंट एयर करने से तो ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right है सो द पॉइंट इज गवर्नमेंट यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल करती है ये बताकर कि जो कंटेंट है से वो स्टेट का कंट्री की इंटीग्रिटी सोवर्निटी के अगेंस्ट है या फिर कोई इनपुट्स हैं गवर्नमेंट के पास कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है कि इन सब रीजंस के कारण इस मीडिया हाउस को कंटेंट एयर करने से रोका जा रहा है अब ये जो रीजंस होते हैं ना तो पिछले कुछ टाइम से ये प्रैक्टिस देखने को मिली है कि गवर्नमेंट जो भी एविडेंस देती है कि सपोर्ट करने के लिए बैक करने के लिए कि क्यों इस डिसीज़न को लिया गया है क्यों इस हाउस को बैन किया जा रहा है वो सील्ड कवर में देती है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्रिटिसाइज़ किया कि जो प्रैक्टिस ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज हैं फाइलिंग रिपोर्ट्स इन सील्ड एनवलअप्स डायरेक्टली इन कोर्ट विदाउट शेयरिंग द कॉन्टेंट विद द अपोजिट पार्टी तो ये जो चीज़ है इसको एनकरेज नहीं करना चाहिए जो भी एविडेंस है अगर मीडिया हाउस पे बैन भी लग रहा है ओपनली सबको बताना चाहिए दिस इज द रीजन वी आर बैनिंग दिस हाउस प्लीज डू नॉट गिव सील्ड कवर रिपोर्ट्स इन दिस कोर्ट वी विल नॉट एक्सेप्ट देम ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना साहब ने कहा तो दिस इज टेलीकास्ट बैन ऑन मीडिया वन फंडामेंटल राइट्स ये है एस ओ पी ये बहुत पावरफुल वर्ड होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इंटरव्यू में कुछ पूछा जा रहा है आप यूक्रेन में पोस्टेड है वहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है आप क्या करेंगे अगर कोई ऐसा आंसर नहीं आ रहा है आप सेफ बोल सकते हो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अब क्या होता है एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब्स में हर चीज़ का ना एक पूरा प्रोटोकॉल होता है गवर्नमेंट जॉब्स इनफैक्ट दूसरे जॉब्स में भी वर्क का भी एक तरीका होता है बिकॉज कोई भी चीज़ है वो यूजुअली ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम हो रही है वो पहले भी हुई होगी और उस टाइम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने क्या डिसीजन लिया किस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही है तो यूजुअली हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हैं बिकॉज गवर्नमेंट जॉब में रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हर जगह रूल्स वेल मैंशन होते हैं अब ऐसा नहीं है कि केवल रूल्स ही फॉलो करना है कुछ जगह डिस्क्रिशन भी होता है हमारा डिस्क्रिशनरी पावर भी यूज़ करना है रूल्स का जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंटरप्रटेशन भी ऑफिसर पर डिपेंड हो सकता है बट इन जनरल अगर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि जैसे वहाँ यूक्रेन से स्टूडेंट्स को निकालना है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलता है कि हम प्रायोरिटी देते हैं इंडियन सिटीजनस को सेफली इवैकुएट कराने का हम प्रायोरिटी देते हैं कि हम टॉक्स करें कि एक ह्यूमन कॉरिडोर बने वहाँ पे और इवैकुएशन पॉसिबल हो सो दीज आर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो सिमिलरली जो मिसाइल लॉन्च है इसका भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है प्रोसीजर ऐसा होता है कि कोड्स होते हैं कोड्स को वेरीफाई करना पड़ता है फिर डिफरेंट हायर के जो ऑफिसर्स हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन आ रहा है फिर उसको पास किया जा रहा है फिर जाके मिसाइल लॉन्च होता है इट इज़ नॉट लाइक कि ऑपरेटर के मन में आया उसने बटन दबा दिया मिसाइल लॉन्च हो गई नो no. इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है तो इस एस को रिव्यू करना ज़रूरी है बिकॉज ये एक्सीडेंटल मिसाइल लॉन्च हो गया था जो पाकिस्तान में वन किलोमीटर मिसाइल चली गई थी और वहाँ पर उसको हमने लैंड कराया फॉर्चुनेटली ये जो मिसाइल थी इसने ऐसा कोई डैमेज नहीं किया इसमें वॉरड भी नहीं था बट अगेन सी पाकिस्तान भी न्यूक्लियर केपेबल कंट्री है अगर इस टाइप का मिसाइल ऑल दो एक्सीडेंटल था और अगर कोई क्रिटिकल डैमेज हो जाता पाकिस्तान में देन फिर इससे क्या होता चीज़ें एक्सकलेट होती सो द पॉइंट इज ऐसी चीज़ नहीं आनी चाहिए हमको भी इंट्रोस्पेक्शन करना ज़रूरी है तो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है ऑपरेशन मेंटेनेंस इंस्पेक्शन के लिए

इस टाइप के एसओपी में लैप्स हुए इसको रिव्यू करना जरूरी है सो दिस इज दिस तो ये तो हुआ फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू अब ये है एडिटोरियल ग्रोइंग प्राइस प्रेशर्स। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कीमतें बढ़ रही है पॉलिसी मेकर्स को टेम करना पड़ेगा इन्फ्लेशन को नहीं तो जो ग्रोथ है रिकवरी है कोविड नाइनटीन रिकवरी वो सब वेस्ट होने वाला है इन्फ्लेशन इन इंडिया कॉन्टिन्यूज ऑन अ वरिंग अप ट्रेंड

प्लस विंटर की क्रॉप भी आने वाली है हमारे यहाँ तीन क्रॉप चलती है राबी क्रॉप खरीफ क्रॉप जायद क्रॉप ये कब है इनके सीजन आप बताइए राबी खरीफ एंड जायद तो विंटर क्रॉप का अराइवल है तो मतलब सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस कम होगा ऐसा एक्सपेक्टेशन है बट एब्रप डिस्ट्रप्शन हो गया एडिबल ऑयल का क्योंकि वॉर टोन यूक्रेन है यूक्रेन जो है ना सनफ्लावर अब यूक्रेन का कलर भी देखो दिस ब्लू एंड दिस येलो सनफ्लावर ऑयल जो है वो यूक्रेन से इम्पोर्ट होता है यूक्रेन में वीट भी बहुत होता है तो यहाँ चैलेंज आएगा फूड शॉर्टेज हो सकता है वर्ल्ड में प्राइस गेंस क्लोथिंग एंड फुटवेयर फ्यूल लाइट ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सब आठ प्रतिशत के ऊपर चल रहा है नॉट गुड ट्रेंड जो रिटेल इन्फ्लेशन का है वो ब्रॉड बेस्ड है ऑलमोस्ट हर सेक्टर में हर सेक्शन पे महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है तो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी अब नेबर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इन्फ्लेशन जो होगा बढ़ेगा बिकॉज रशिया का जो इन्वेजन दिस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जो यूक्रेन में किया है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वी डोंट नो येट जो ऑयल है ट्वेंटी बैरल तक और बढ़ेगा ओवर ट्वेंटी बैरल बढ़ चुका है नाइन्टी फोर पे अभी है ये सो so इससे भी फ्यूल क्रॉस कॉस्ट बढ़ेगा डीजल का प्राइस बढ़ेगा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन सप्लाई साइड और बढ़ेगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगा रुपी जो है वो ऑलरेडी डिटेरियोरेट हो रहा है रुपयी अगर 80 तक पहुंच गया तो फिर और इम्पोर्ट महंगा होगा सो द पॉइंट इज डार्क क्लाउड्स हैं आरबीआई बी डेप्यूटी गवर्नर माइकल डी पात्रा साहब ने बताया कि जो हैडरूम अवेलेबल फॉर गवर्नमेंट टू कट कट टैक्सेज और फ्यूल्स है वो थोड़ा कम्फर्ट कर सकता है इन्फ्लेशन फ्रंट को वट इज़ दैट मीन इट मीन्स हेडरूम क्या होता है कि गवर्नमेंट थोड़ा टैक्स कट और कर दे ताकि ऑल क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा है हंड्रेड डॉलर हो गया बट जो रिटेल प्राइस है वो ज़्यादा नहीं बढ़ा है गवर्नमेंट थोड़ा इसको जो टैक्स है वहाँ एक क्वेश्चन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे तो वो लेटेस्ट सी अभी यहाँ पे आर क्या पॉलिसी अपनाता है मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी हमने पढ़ रखा है इन्फ्लेशन के डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ रखे हैं स्टैग फ्लेशन डिस इनफ्लेशन डिफ्लेशन एक्सेट्रा कल परसों ही आंसर राइटिंग किया था तो दिस इज दैट वाइट शीन श्रीलंका एक टाइम पे बहुत अच्छी टीम होती थी क्रिकेट में अब श्रीलंका के साथ लाइक जो रिजल्ट आ रहे हैं थ्री ज़ीरो टू जीरो तो इंडिया काफ़ी डोमिनेट भी कर रहा है अब इंडिया भी ऐसा नहीं है कि इंडिया टीम भी अच्छी हो गई है इंडियन टीम इज़ ऑल्सो डूइंग रियली वेल नए प्लेयर्स नए जो आ रहे हैं दे आर रियली रियली वेल अच्छे प्लेयर्स हैं सो दिस इज़ देयर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप भी होने वाला है इंडिया की रैंक अभी फोर्थ है इसको अप करने की ज़रूरत है अस फायरिंग एंड इट्स ट्रेल ऑफ पोअर स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी यहाँ बस रनिंग कमेंट्री है कि बिकॉज हम न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री भी हैं मिसाइल हैंडलिंग में हमें थोड़ा और प्रॉम्प्ट होना चाहिए और थोड़ा और ज़्यादा हमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पे वर्क करने की ज़रूरत है तो बस ये है कि थैंकफुली ये जो टेंशन हुआ ये एस्केलेट नहीं हुआ हॉटलाइंस में तुरंत दोनों इंडियन एंड पाकिस्तान फौज ने बात कर लिया और इंडियन फौज ने बता दिया कि ये गलती से मिस फायर हो गया है तो इट इज़ नॉट अ लाइक इंडिया अटैक नहीं कर रहा है लाइक दैट सो इंडिया मिसाइल इंसिडेंट पर यह भी बता रहा है कि हमें इस पूरे प्रोसीजर को और थोड़ा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को बेटर करने की जरूरत है दैट्स ऑल आगे इसका एक और आर्टिकल है एक्सप्लेन में उसमें इसकी टेक्निकलिटी थोड़ा और देखेंगे बाकी यहाँ पे बस रेगुलर टॉक्स है कि पूरा जो प्रोसीजर है बिकॉज दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री वी आर ऑल्सो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री तो इस टाइप के जो मिस एडवेंचर्स या फिर गलतियां नहीं होनी चाहिए दिस इज देयर भरत नाट्यम इज़ इंडियन डिप्लोमेसी भरत नाट्यम क्या होता है ये एक डांस फॉर्म है क्लासिकल डांस फॉर्म है बट कई बार हम ऐसे बोलते हैं ना डांस भरतनाट्यम हो गया है भरतनाट्यम का मतलब दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट डांस भरतनाट्यम बहुत डिफिकल्ट डांस है इसमें बहुत ज़्यादा मेनूवर करना पड़ता है एफर्ट्स डालने पड़ते हैं तो वही चीज़ इंडियन डिप्लोमेसी को भी अभी करनी पड़ रही है यूक्रेन क्राइसिस के कारण तो इसको बोला गया है भरत नाट्यम इन इंडियन डिप्लोमेसी मतलब दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टाइम बहुत एफर्ट्स के साथ इन्होंने कॉम्प्लेक्स मूव्स करने पड़ रहे हैं इंडियन डिप्लोमेसी को क्यों क्योंकि एक तरफ यूनाइटेड नेशन यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है एक्चुअली ये एक बुक है मनी दीक्षित जी इनकी बुक में इन्होंने लिखा है ये फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं और इनकी बुक में भी इन्होंने मेंशन किया है कि इंडियन डिप्लोमेसी एक्चुअली आई ऑफिसर्स जो होते हैं कहने को लगता है कि दिस इज सच अइक अच्छा, पोजी जॉब इट्स इज इट्स अ वेरी ईजी जॉब बट ऐसा नहीं है यहाँ पर भी आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है प्रोफेशनल आपका प्रोफेशन है फॉरेन डिप्लोमेसी तो उस चीज़ में भी यू हैव टू बी लाइक एप्ट और इट इज़ नॉट दैट इजी क्योंकि इक्वेशंस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है सारी जो बातें होती है वर्ल्ड अफेयर में वो इंटरलिंक्ड होती है एक तरफ यूएसए भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है इसके साथ हमने फाउंडेशनल अग्रीमेंट कर रखे हैं कौन से तीन फाउंडेशनल अग्रीमेंट किए हैं आंसर पढ़ा था ना बेका कॉम कोसा एट्सेट्रा सो फाउंडेशनल अग्रीमेंट है मिलिट्री का इंपॉर्टेंट पार्टनर है यूएसए भी यूएसए एम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा इंडियन डायस्पोरा यूएसए में है यूएसए के साथ स्ट्रोंग टाइज है बट एट द सेम टाइम रशिया के साथ भी स्ट्रॉन्ग टाइज है यूक्रेन के साथ भी हमारे हमारा रिलेशनशिप अच्छा है बहुत सारे स्टूडेंट्स यूक्रेन में यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं इन सब चीज़ों में इंडिया अपने इंटरेस्ट को कैसे पुट फॉरवर्ड करे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है बिकॉज दे आर फाइटिंग विद ईच अदर नाटो यूएस लेड ग्रुप है यूक्रेन बैटल वॉर बैटल है थिएटर है और इधर है रशिया इंडिया को इस पूरे बैकड्रॉप में अपने जो इंटरेस्ट है वो बहुत टैक्टफुली आगे रखना ज़रूरी है और इसमें कोई गलत भी नहीं है कि हम इंडिया फर्स्ट की बात करें वी आर नॉट इंडिया बायस्ड वी आर इंडिया फर्स्ट जो हमारा बेस्ट इंटरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे तो द पॉइंट इज कि इस तरीके से अगर कोल्ड वॉर इरा वापस आता है तो इंडिया को किस तरीके से आगे मैनूवर करना पड़ेगा डिप्लोमेसी कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे हैं जैसे मॉस्को को कैसे डील करें वर्ल्ड को डी न्यूक्लियराइज होना क्यों ज़रूरी है ईरान डील भी अभी हो रहा है एशियान के साथ हम कैसे हैंडल करें चाइना ताइवान क्राइसिस में भी ऐसा हुआ तो इंडिया का क्या स्टेक होना चाहिए बिकॉज चाइना भी ताइवान को इंटीग्रेट करने की कोशिश नियर फ्यूचर कर सकता है देन यूनाइटेड नेशंस में यू में ऑल दो हम हैं बट नॉन परमानेंट हैं तो हमें यू की परमानेंट सीट्स के लिए क्या करना चाहिए ये सब चीज़ें हैं कोविड नाइन्टीन वर्ल्ड भी है पोस्ट कोविड इंडिया को इंडियन डिप्लोमेसी को बहुत टैक्टफुली यहाँ पे डिलीवर करने की ज़रूरत है पाकिस्तान न्यूट्रलिटी तालिबान्स वरी द एक्लिप्स ऑफ सोवर इक्वालिटी अब जैसे ये बात आ जाती है माइट इज राइट वर्ड में चल रहा है माइट इज राइट तो ये क्या जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं ह्यूमन ह्यूमन रेस का जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उसके अगेंस्ट तो नहीं है वर्ड को यहाँ पे स्टैंड लेने की क्यों ज़रूरत है

सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑन वन रैंक वन पेंशन वन रैंक वन पेंशन ये होता है कि जो फौजी जिस रैंक से रिटायरमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंगली ही उसका पेंशन बनना चाहिए एक्चुअली पहले क्या हो रहा था कि अगर वो पहले रिटायर हो गया था तो रिटायरमेंट के टाइम पे जो रूल्स है उसी के हिसाब से पेंशन बन रही थी तो बहुत सारे केसेस फिर ऐसे हो गए कि सेम पोस्ट पे रिटायरमेंट हुआ है बट अलग टाइम पे हुआ है तो उनकी पेंशन भी डिफरेंट डिफरेंट हो रही है इसलिए वन रैंक वन पेंशन एक रैंक है तो एक ही पेंशन होगा हेल्थ मिनिस्ट्री इशूज अलर्ट अगेंस्ट मिक्सिंग ऑफ वैक्सीनेशन ट्वेल्व टू फोर्टीन में कॉर्बेवैक्स वैक्सीनेशन अप्रूवल हो रहा है चेयर रावत सी डी एस ऑफ इंडिया एक्स ईव एक्सडीएसटी फिफ्थ बर्थडे ऑफ लेट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत इंडियन आर्मी तो ये चेयर ऑफ एक्सीलेंसी है मेमोरी यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में फॉर्मल अनाउंसमेंट है जनरल मनोज नरवाने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और यहां पर साउथ ब्लॉक में रहेंगे सो दिस इज दैट देन दिस इज नीट बिल वेदांता प्ली यूएस चाइना अगेंस्ट रशिया सपोर्ट रशिया सपोर्ट एक्चुअली क्या है रशिया रशिया को चाइना का सपोर्ट मिल रहा है चाइना अगर रशिया को सपोर्ट करेगा तो ये जो वेस्टर्न इकोनॉमिक सेंक्शन है ना वो रशिया पे इतना इम्पैक्ट डालेगी नहीं बिकॉज चाइना इज इकोनॉमिक पावर हाउस वो सिंगल हैंडेडली भी चाइना इस पूरी वेस्टर्न सेंशनस को नलीफाई कर सकता है तो चाइना को वॉर्न किया यूएस ने अगेंस्ट रशिया सपोर्ट चाइना में विंटर ओलंपिक्स हुआ रिमेंबर व्लादिमिर पुतिन हिमसेल्फ वेंट टू चाइना सो ये चीजें यहाँ पर है चाइना और रशिया का स्ट्रॉन्ग टाइज हो रहे हैं

हम कितनी ही बातें करें सोलर एनर्जी ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी पर जो मेजोरिटी अभी भी पावर है इंडिया का वो कोल से आता है जो मेजोरिटी व्हीकल्स है हमारे वो क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट होते हैं सो द पॉइंट इज हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस अनसस्टेनेबल है इससे इन्फ्लेशन अब बढ़ेगा इंपोर्ट का कॉस्ट बढ़ेगा डब्लू इन्फ्लेशन है अभी काफ़ी हाई हो गया है बट ऐसा एक्सपेक्टेड है कि हम जैसे अभी रशिया से अभी हमने तीन मिलियन डॉलर तीन मिलियन और इंपोर्ट करा कर ऑयल इंपोर्ट कराने की बात किया सो द पॉइंट इज हम भी ऑल्टरनेटिव जोन रहे हैं। अभी अगर ईरान न्यूक्लियर डील हो जाता है तो ईरान से भी हमको चीपर ऑयल डिलीवर हो सकता है तो लेट सी हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस अनसस्टेनेबल है ऑयल स्लाइड्स ऑन यूक्रेन टॉक्स फियर्स ओवर चाइना डिमांड तो ब्रेंड जैसे अभी हंड्रेड के अंदर आ गया है इज गुड चाइना लॉकडाउन पर सप्लाई चेन कंसर्न अभी एक बहुत बड़ा थ्रेट आ रहा है चाइना में कोविड के केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं लास्ट वन वीक में पिछले साल भी आई रिमेंबर यही स्टोरी चल रहा था आई रिमेंबर मार्च के टाइम पे एवरी डे भी आई टॉकिंग की केसेस बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं अप्रैल में फिर अचानक डेल्टा वेरिएंट आया और फिर दैट वाज कैटास्ट्रोफिक चाइनाज लॉकडाउन पर सप्लाई चेन कंसर्नस टोयटा की नई कार है मोबाइल डेटा यूजर सेवन मिलियन है गूगल मीट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो रहा है शाम को अपन ट्राई करते हैं कंडक्ट करना दिन बहुत बिजी रहता है शाम को ट्राई करते हैं और मोस्ट ऑफ यू का डेटा उस टाइम तक ओवर हो जाता है तो ये एक बड़ा एक अभी चैलेंज बना हुआ है इसका कोई सॉल्यूशन निकालते हैं गवर्नमेंट अप्रूव्स पीएलआई प्लान फॉर 75 ऑटो पार्ट्स फर्म्स मारुति हीरो टोयोटा लैपटॉप मार्केट में फिर से आ रहा है लैपटॉप जब से लॉकडाउन वगैरह हुआ डिजिटल गैजेट्स वगैरह इनका डिमांड काफी बढ़ा है ब्लू स्टार प्राइस बढ़ाएगा ए सी मैवरिक पंथ मैवरिक का क्या मतलब होता है टेल हमने इसी से एक मिलता जुलता वर्ड एक रशियन वोकेबुलरी का पढ़ा था रशिया उस वर्ड को यूज कर रहा है काफी वो भी आप बताओ कल या परसों ही इंग्लिश में देखा है मैवरिक का क्या मतलब है मूवी भी आई थी ना मैवरिक दिस इज टॉम क्रूज का जो मूवी था मैवरिक टॉप गन कम्स ऑफ एज टर्न इन टू एन ऑल राउंड पैकेज दिस इज इंडिया सोलर अब सी क्रूड ऑयल में डिफिकल्टी है हम बहुत ज़्यादा जो बेट कर रहे हैं ना वो सोलर पे कर रहे हैं क्युं? क्यों क्योंकि न्यूक्लियर भी हमने देख लिया न्यूक्लियर इतना रिलायबल नहीं है कॉस्ट बहुत है और हमेशा एक डर बना रहता है न्यूक्लियर में कि कुछ डिजास्टर हो गया देन वॉट वो चेरनोबिल हिमाचल सो सोलर कैपेसिटी बहुत अच्छा रिसोर्स है क्योंकि जो इंडिया है एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सफिशेंट हमारे यहाँ सनलाइट है सोलर में क्या होता है हर जगह डिलीवरी है इसकी तो मतलब हर हाउस होल्ड में भी अगर रूफ टॉप सोलर पैनल लग जाएगा वो इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम करेगा सोलर इलेक्ट्रिसिटी में तो इमेजिन मतलब डिलीवरी और कन्वीनियंस बहुत है सोलर एनर्जी में बट फिर भी चैलेंजेस आते हैं माइल स्टोन एंड चैलेंजेस हम यहाँ पे देखते हैं ऐसा नहीं है कि इंडिया कमिटमेंट नहीं कर रहा है रिविजन क्लास में हमने पढ़ा था ना पंचामृत प्रधानमंत्री जी ने जो पांच बातें बताई थी ग्लासगो में 2070 तक हमें नेट न्यूट्रल होना है सोलर एनर्जी की तरफ हमें फोकस करना है इंडिया ने गोल है 500 सौ गीगा वॉट रिजनेबल एनर्जी बाई ट्वेंटी थर्टी पंचामृत का एक पार्ट है ये तो अभी भी इसमें ऑब्स्टेकल्स हैं सोलर में अगर हम देखें तो हमने 10 गीगा वॉट एड किया 2021 में बट दिस इज नॉट सफिशेंट हमको और रैपिडली यहाँ पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है इंडिया कंटिन्यूज डाउन इट्स इम्प्रेसिव जर्नी 50 गीगा वॉट इंस्टॉलेशन था 42 ये नंबर्स हैं याद नहीं रखते ग्राउंड माउंटेड सोलर फोटो सिस्टम प्रॉब्लम यह है कि जो फिफ्टी है, उसमें से फोर्टी टू गीगा बना रहे हैं फोर से, आ, है। से. आ रहा है रूफ टॉप सोलर से और वन आ रहा है ऑफ ग्रिड सोलर पी से फोटो से ये जो रूफ टॉप सोलर है इसका परसेंटेज बढ़ना चाहिए हमें इधर कोशिश करनी चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा डिसेंट्रलाइजेशन होगा हर घर का अपना खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है तो ये काफ़ी रिवोल्यूशनरी है लार्ज स्केल सोलर पी जो होता है इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम कोशिश तो कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी आए ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस ताकि कम होंगे बिकॉज नॉर्मल जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का मैकेनिज्म है कि कोल पावर प्लांट से बिजली बनी फिर वो बिजली जाएगी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के पास फिर कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी लॉसेज होते हैं थेफ्ट होता है तो ये मतलब एफिशिएंट नहीं है तरीका पर अगर हर घब घर में रूफ टॉप सोलर पैनल आ जाएगा तो वहाँ पे लॉसेस भी नहीं होंगे स्ट्रेल्थ भी नहीं होगा सो तो ये एक बेटर तरीका हो सकता है एनर्जी एफिशिएंसी अचीव करने का पॉइंट ऑफ कंजम्पशन जो है वो लार्ज कैपिटल इंटेंसिव ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं लगाना पड़ेगा सो so ओवरऑल ये कॉस्ट भी अगर अपन ओवरऑल देखें तो कम पड़ेगा बट फिर भी ये चीज़ बहुत तेजी से एडोपशन नहीं हो रहा है यहाँ सब्सिडी देने की बात होती है रूफ टॉप सोलर पैनल पे फिर भी डिफिकल्टी आ रही है तो चैलेंजेस क्या है चैलेंजेस सबसे बड़ा जो होता है वो होता है एक तो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का भी चैलेंज है लैंड का कॉस्ट है आपको सोलर पैनल लगाना है आपको वो लैंड एक्वायर करना पड़ेगा सोलर फार्मिंग के लिए फिर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैसी है ग्रिड इंटीग्रेशन चैलेंज होता है बिकॉज सोलर एनर्जी से रात को बंद हो गई प्लस कई बार क्लाउड आ गया तो फ्लक्चुएशन भी आ रहा है तो आप उसको मेन ग्रिड में कैसे इंटीग्रेट करोगे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कॉन्फ्लिक्ट्स विद लोकल कम्युनिटी बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन नॉर्म्स भी होता है फिर लो टैरिफ फॉर सोलर पावर जनरेशन यूटिलिटी स्केल में ट्रांसलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है इन सब चीज़ों का एक टेक्निकल इशूज़ आ रहे हैं दूसरी एक और बात होती है कि हम जो फोटोवल्टाइप पैनल है उसको बनाने में हम सफिशेंट नहीं है इम्पोर्ट कराना पड़ता है वेफर्स इन पॉलीसिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग में तीसरी बात यह है कि ये काफ़ी पॉलिटिक भी होता है सो द आइडिया इज क्यों ना हम सर्कुलर इकोनमी लगाएं कि जैसे इनकी लाइफ होती है ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव ईयर जो एक्सपायर हो रहे हैं सोलर पैनल उससे पार्ट्स को एक्सट्रैक्ट करके रिसाइकलिंग की जाए तो इससे क्या होगा कॉस्ट भी कम होगी और जो वेस्टेज है पॉलिटिंग वेस्ट है वो भी कम हो जाएगा इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी एस्टिमेट कर रही है रिकवरेबल मटेरियल पोलर पीवी वेस्ट से 15 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो सकती है तो हमें क्या करना है सर्कुलर इकोनॉमी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनाए कि जिस कंपनी ने जो पैनल बनाया है वो उसको पूरा री, री करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखेगी इससे वेस्ट का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा तो की टेक अवेज ये है कि इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फाउंडिंग मेंबर भी है 2015 में बना था हेड क्वार्टर गुड़गांव में है ये जो है इसको फुली टैप करना जरूरी है जैसे ये क्या है सोलर ट्री है जैसे सोलर पैनल ऐसे होते हैं ये सोलर पैनल है सोलर पैनल सो दिस इज द थिंग कि हमें सोलर को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को एनकरेज करें रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगाएं और इसको फुल्ली रियलाइज करें पोटेंशियल एक्सीडेंटल मिसाइल लॉन्च हुआ रेगुलर टॉक है कि जो प्रोटोकॉल्स है वो यहाँ पे फॉलो होने चाहिए ऐसी चीजों का कई बार क्या होता है जो नॉन स्टेट एक्टर होते हैं ना, वो कई बार इन लूप होल्स को यूटिलाइज करके वॉर वॉर करवाने की भी कोशिश करते हैं उनके ये मिस गाइडेड एफर्ट्स भी होते हैं तो दैट इज़ वाई जो ऑफिशियल स्टेट एक्टर्स हैं दे हैव टू बी लाइक ऑन अलर्ट और ऐसा लैप्स नहीं होना चाहिए Apple's App Store meets its nemesis in the East. Nemesis का मतलब बताइए Nemesis in the East. तो Apple App Store है काफ़ी monopoly है Apple काफ़ी बड़ी कंपनी है ट्रिलियन डॉलर कंपनी और इसका जो ecosystem सिस्टम है वो यहाँ पे कई बार मोनोपोली करती है ऐप स्टोर में भी जो इसका एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है उसको यूजर्स यूज कर रहे हैं पेड है फ्री है कैसे पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे इन सब चीज़ों में एप्पल्स मोनोपोली पेमेंट पे सवाल उठते हैं साउथ कोरिया ऐसा एक लॉ लेके आया है कि पेमेंट का जो ऑप्शन है वो फ्री रहना चाहिए जिस तरीके से जो ऐप मेकर हैं डेवलपर हैं वो चार्ज करेगी दिस इज दैट ये जो आजकल बात चल रही है जैसे यूरोप में भी चल रही थी अब सारा मोबाइल कंपनी यू सी लेती है बट एप्पल को लाइटिंग ही कंटिन्यू करना है जो दस साल पुरानी टेक्नोलॉजी है तो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग तो एक कॉमन नॉर्म होना ज़रूरी है इंग्लिश में अगर आज अपन देखें तो इंग्लिश में है आज के जो रूल्स हैं पहला तो है जैसे हम बोलते हैं आई हैव अ लिटिल मनी अ लिखा हुआ है आई हैव अ लिटिल मनी आई हैव सम मनी दोनों में डिफरेंस क्या है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी है मतलब यू हैव सम मनी आई यू हैव सम मनी आई हैव हार्डली एनी मनी अगर अ नहीं लिखा है मतलब आपके पास पैसे नहीं है आई हैव ऑलमोस्ट नथिंग जहाँ अ लिटिल लिखा होता है तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट बताता है कि आपके पास थोड़ा है और जब अ लिटिल नहीं है केवल लिटिल लिखा है तो वो नेगेटिव बताता है कि कुछ भी नहीं है आपके पास सो आई हैव अ लिटिल मनी मतलब थोड़ा पैसा है आई हैव सम मनी बट नॉट मच और आई हैव लिटिल मनी लिखा है ए नहीं लिखा है मतलब यू डोंट हैव मनी दैट मच मनी नेगेटिव हैव एक एक्सप्रेशन होता है ईजी ईजी कम ईजी को एक सही भी होती है जो चीज़ आसानी से आती है वो आसानी से चली भी जाती है इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ सक्सेस में काम में शॉर्टकट्स मत करिए ये शॉर्टकट्स आप पढ़ाई में जितने शॉर्टकट्स मारेंगे ना मार्क माइवर्ड्स ये आपको किसी ना किसी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन में रियलाइजेशन होगा ये प्रोसेस इतना ऐसा डिज़ाइन है ना कि आप बच के नहीं निकल सकते आप शॉर्टकट्स करो प्रिलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा मेंस में दिक्कत आएगी शॉर्टकट्स करो इंटरव्यू में दिक्कत आएगी कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आती है सो शॉर्ट कट्स नहीं मारने हैं हॉलिस्टिक वे में पढ़ना जरूरी होता है ईजी कम ईजी गो दिस मीन्स दैट वॉट वी अक्वायर ईजिली विल बी ईजिली लॉस्ट समटाइम्स योर डॉक्टर में आस्क यू टू गो ईजी ऑन फैटी थिंग्स टू गो ईजी ऑन समथिंग मतलब उसको इतना नहीं खाना है फैटी ऑयली सॉल्ट शुगर टू मच इज बैड नॉट टू वी मच ऑफ दैट थिंग वैन यू वॉन्ट टू डिस्क्राइब द सपोज सिमिलैरिटी बिटवीन द टू थिंग्स यू यूज कम्पेयर विद क्वेश्चन में भी हम बोलते हैं ना कम्पेयर विद जैसे कंपेयर विद टू डिफरेंट कंट्रीज को करना है तो उधर हम उसकी सिमिलैरिटीज बताएंगे जब अपन ने विद लिखा है केवल सिंपल कंपेयर लिखा हुआ है तो हम जनरली डिफरेंसेस ज़्यादा बताते हैं कंपेयर टू लिखा हुआ है तो सजेस्ट और स्टेटस सिमिलैरिटी आंसर राइटिंग के भी ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं डिस्कस क्रिटिकली एनालाइज मैं इसका भी एक बना के शेयर करता हूँ आपको की अब जैसे यहाँ कंपेयर टू है तो इसका मतलब सजेस्ट और स्टेटस सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी बनाओ दोनों चीज़ों में कंपेयर टू एंड्रॉइड आईफोन कंपेयर टू और कंपेयर बस लिखा हुआ है तो डिफरेंसेस बताने डेफिनेटिव आप बोल रहे हो मतलब हैविंग द कैरेक्टर ऑफ फाइनलिटी ये चीज़ कन्फर्म है तो ये डेफिनेटिव है ओके okay? कॉन्क्रीट बोल रहे हो मतलब वो चीज अनऑल्टरेबल है बदली नहीं जा सकती इमूवेबल है तो ये दो चीजें हैं तो दीज आर सर्टेन इंग्लिश थिंग्स अब आज हमने जैसे जीएस रिवीजन क्लास में एक मैप देखा था वो मैप था दिस अबाउट डांसेस ऑफ इंडिया सो लेट अस ट्राई टू राइट दिस आंसर दिस आंसर प्रिपेयर शॉर्ट नोट ऑन दम्स फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट इंडिया अलग अलग राज्यों के फोक डांस फॉर्म्स के बारे में एक नोट तैयार करिए पहला सवाल है सोलर एनर्जी पे भी हमने एक क्वेश्चन देखा तो सेकेंड क्वेश्चन है प्रिपेयर अ नोट ऑन सोलर एनर्जी इसका साइंस एंड टेक क्या होता है सोलर एनर्जी का ट्राई टू एक्सप्लेन शॉर्ट में वट इज साइंस साइंस एंड टेक लाइक फोटोवोल्ट सेल क्या होता है सेमी कंडक्टर एटसेट्रा सोलर एनर्जी

पोटेंशियल क्या है और गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है ओके सो दिस इज वेरी सिंपल इसकी आंसर राइटिंग हैं अगर अपन ऑफ मार्च का देखें मंडे को ये दो सवाल थे प्रिपेयर अ नोट ऑन द बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स ऑफ इंडिया एंड शॉर्ट नोट ऑन जोग्राफी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट अपने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं उसको बाय ओल्डेस्ट करते हैं सो दीज आर द सबमिशन फर्स्ट आंसर है सागर का आपका डे नंबर टू है यू हैव रिटन अ वेरी गुड आंसर सी ये आपने इनिशियल स्टार्ट कर दिया ये अच्छी चीज़ होती है करंट अफेयर से स्टार्ट लिंक करते हुए चल रहे हैं देन आपने सी स्पेशल वेपन डेवलपमेंट टीम पूरा हिस्ट्री बताया टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट इंडियन मिसाइल्स बताए फिर बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है दिस इज रियली गुड इससे सवाल आएगा बैलिस्टिक क्या होती है सी शॉर्ट रेंज मीडियम इंटर कॉन्टिनेंट क्रूज क्या होती है अभी जो बैलिस्टिक और क्रूज है ना इसको डायग्राम के थ्रू भी बता सकते थे अपन प्रोजेक्टाइल कैसे वर्क कर रहा है क्रूज कैसे वर्क कर रहा है लाइक दैट ये बहुत अच्छा है हाइपरसोनिक सुपरसोनिक सबसोनिक देन बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल गुड आंसर ज्योग्राफी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट लिखा है आपने तो मतलब इट्स अ सब कॉन्टिनें इंडिया एक कंट्री नहीं एक जैसे पहले वाला इंडिया था सब है इंडिया इंडिया इज अ कल्चर कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया इज अ कल्चर थीम सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसका आपने जियोलॉजी बताया मैप वर्क इज एक्सलेंट दिस इज देन फिजियोग्राफिकली बताया माउंटेन रेंज ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एटलस में ये सारी चीजें देखना है हमें पैसेजेस हुआ खेबर पास कहाँ पर है बुलन पास कहाँ पर है लाइक दैट स्नेहल दिस इज रियली गुड क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल इनिशियल बूस्ट

ऊपर क्या लिखा है है न, ये जैसी छोटी-छोटी चीजें होती ना यही आपको आधा नंबर बढ़ाएगी Half marks 20 question में बढ़ेंगे तो टेन मार्क्स एक पेपर में हुए चार पेपर में चालीस मार्क्स हुए बिग डिफरेंस दिस इज इंपॉर्टेंट बड़े अच्छे से प्रोजेक्टाइल बताया आपने टाइप्स बताया अब ये टैबलेट कर दिया लिस्ट में क्रूज मिसाइल बताया ब्रह्मोस निर्भय दोनों का डिफरेंस बताया दिस इज रियली गुड वन ऑफ द बेस्ट कॉपी प्रेजेंटेशन वाइज भी और कॉन्टेंट वाइज भी वेरी नाइस पुष्पेंद्र वेरी सिस्टमैटिक बैलिस्टिक क्या होती है मिसाइल प्रक्षेपस्त्र बैलिस्टिक देन उदाहरण अब ये बहुत अच्छा है उदाहरण फिर दूरी के हिसाब से वर्गीकरण हुआ देन इसके बाद क्रूज मिसाइल पे आते हैं फिर सबसोनिक सुपरसोनिक हाइपरसोनिक वेरी गुड वेरी स्ट्रक्चर्ड थॉट प्रोसेस और ये टेबलेट किया डिफरेंसेस वेरी नाइस मीनू डे नंबर थर्टी थ्री यू आर डूइंग सो वेल इंट्रोडक्शन बैलिस्टिक एंड क्रूज का टेबुलेशन किया बैलिस्टिक क्या होती है टाइप्स फिर ऑल बैलिस्टिक मिसाइल्स बताया अग्नि सूर्या वेरी नाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इससे कई बार सवाल आए हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अभी जैसे अग्नि पी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है बैलिस्टिक एंड क्रूज राम नरेश बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं सी लर्न दिस प्रोसेस वेरी सिस्टमैटिक वर्क होता है राम नरेश का क्रूज मिसाइल क्या है देन एम ऑब्जेक्टिव क्या है वेरी गुड बेनिफिट्स एंड यूटिलिटी बताया एट पॉइंट्स चैलेंजेस बताए दोनों को टैबलेट डिफरेंसेस बताए और इनके एग्जाम्पल्स भी बताए फिर लिस्ट ऑफ मिसाइल्स ऑफ इंडिया वन बाय वन सारे ही आपने बताया अग्नि सीरीज मिसाइल फैमिली वेरी गुड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉपी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वेल डन की कॉपी में अच्छा है उसको कनेक्ट करते हैं करंट अफेयर से हमें पता चल जाए कि ये सवाल क्यों पूछा गया हम उसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं दिस इज गुड वॉट इज बैलिस्टिक मिसाइल सी हेडिंग सब हेडिंग गुड आपने डायग्राम बनाया वेरी नाइस nice. फिर डेटा लिखा क्रूज मिसाइल क्या है उसका डेटा लिखा डिफरेंसेज बताए एम टी सी आर भी है डॉक्टर कलाम का कॉन्ट्रीब्यूशन और आत्मनिर्भर नाउ दिस पार्ट इज रियली गुड वेरी नाइस मूव टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत वेरी नाइस वेरी गुड कॉपी दिस इज अदिति सी अदिति का दिस डायग्राम वर्क इज अगेन रियली रियली नाइस मिसाइल कैसे होती है नो सी देखो हम बोल रहे हैं ना वॉर हेड नहीं था अभी जो मिसाइल गई थी फिर ये एक जनरल रफ डायग्राम है जो मिसाइल्स में ऐसा होता है सो सी दिस इज वेरी नाइस वेरी गुड देन इसके बाद फायर सिस्टम बताया आपने बैलिस्टिक क्रूज, क्रूज क्रूज क्या है डिफरेंसेस बैलिस्टिक मिसाइल्स के टाइप्स डिफरेंटिकलेंट वर्क आकांक्षा बैलिस्टिक मिसाइल आपने बताया क्या होती है बैलिस्टिक देन इसके बाद आपने रेंज के आधार पे बताया यहाँ पे एक पैराबोला भी बनाना था अग्नि सीरीज आपने बताया फिर क्रूज फिर क्रूज के बारे में सब टैबुलेशन वेरी नाइस परिचय ये है उपमहाद्वीप तो भौगोलिक भारत में क्या है प्लेट क्या है इतिहास क्या है एक्चुअली इंडियन सब कॉन्टिनेंट पहले साउथ में था फिर ऊपर उसने यूरोप को हिट किया फिर हिमालय बना इस तरीके से इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक डिस्टिंक्टिव फीचर बना तो दिस इज गुड कल्चरल पॉलिटिकल सारी चीजें आप, आपने कवर किया सौरभ प्रिपेयर अ नोट ऑन द बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स ऑफ इंडिया वेरी गुड तो ये क्रूज मिसाइल आपने बताया सेल्फ प्रोपेल्ड दिस रियली नाइस क्रूज मिसाइल क्या होती है देन बॉडी ऑफ क्रूज मिसाइल पे लोड वगैरह सी द ऑब्जेक्टिविटी दिस इज ऑब्जेक्टिव अप्रोच दिस इज रियली गुड पे लोड ये है कंजिस्ट ऑफ वर्ड पार्ट क्या होता है गुड तो यही चीज करनी है हमें हम जितना पढ़ेंगे ना उतना ही हमारा प्रजेंटेशन स्किल्स बेटर होती है ऐसे हमको बहुत सारी चीजें आती है बातें नहीं करना है पर यहाँ पर हमें लिखना है इसलिए लिखना बहुत जरूरी होता है जितना प्रैक्टिस करेंगे ना नए नए थॉट्स आते हैं इस चीज़ को ऐसे प्रेजेंट करेंगे तो विजुअली बेटर दिखेगा वो सो द आइडिया इज कॉन्टेंट हैज़ टू बी गुड कॉन्टेंट का प्रेजेंटेशन भी उतना ही इम्पैक्टफुल होना चाहिए हमारा सो दिस इज़ गुड आपकी कॉपी में नीट एंड क्लीन वर्क है आपका दिस इज़ रियली नाइस तो दिस इज़ फॉलोइंग टाइप्स आपने कैटेगरीज भी बहुत अच्छे से बताया देखो ब्रह्मोस वगैरह निर्भय बैलिस्टिक सो बैलिस्टिक मिसाइल गुड वेरी नाइस फिर आपने डिफेंस सिस्टम के बारे में बताया फिर जो सेकेंड क्वेश्चन अब हम कोशिश करते हैं कि नया क्वेश्चन नए पेज से करें क्योंकि इन फ्यूचर अगर हमें यहाँ कुछ नई चीज़ ऐड करना होगा तो अपने पास एक स्पेस होना चाहिए जहाँ पे अपन उस चीज़ को ऐड कर लें ओके जैसे इसमें हम डायग्राम्स थोड़े बना सकते थे प्रोजेक्टाइल का डायग्राम बना सकते थे कैसे वर्क करता है पैराबोला लाइक दैट अब ये जोग्राफी है एक्सटेंट बताया अब यही शब्दों को अगर अपन डायग्राम से बताते तो कितना पावरफुल इम्पैक्ट आता इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज सारा डायग्राम बन जाता सो दिस इज़ गुड जो आपने यहाँ बनाया है नाउ दिस वर्क इज़ अगेन गुड डायग्राम के साथ भी हमें ये कोशिश करना है कि डायग्राम अर्ली इन द आंसर आना चाहिए हमेशा क्योंकि डायग्राम बनाना डिफिकल्ट होता है तो हमेशा इसको शुरुआत में ही बना देना चाहिए सो दिस इज गुड बहुत अच्छा डायग्राम है वेरी नाइस फिर रिवर्स आपने बताई फिर आपने कल्चर के बारे में बताया यहाँ के वेरी गुड दिस इज वेरी गुड आंसर वेरी गुड स्टार्ट इसी तरीके से हमें करना है ओके okay? डॉक्टर्स का भी राइटिंग अच्छा होता है देन दिस इज रिया

एक तो लैंग्वेज प्रोफिशंसी बहुत अच्छा है तो इसको अपने फेवर में यूज करो जैसे यहाँ किया वॉट कंजिस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनें आस्क क्वेश्चन सब क्वेश्चन आंसर इट इफेक्टिव ज्यादा होगा उससे कॉपी गुड ये नहीं करना है okay? डायग्राम है दिस इज रियली गुड और वेरी नाइस आरती पेजेस जब अपलोड कर रहे हैं ना जैसे दिस इज द फर्स्ट पेज अपलोड करने के बाद भी हम उसको रीअरेंज कर सकते हैं कि ये पहले आएगा फिर ये सेकंड फिर थर्ड लाइक दैट ऐसा होता है उसमें ड्रैग करके आप उसको रीअरेंज कर सकते हो ये बैलिस्टिक मिसाइल अब सी दिस अप्रोच इज सो नाइस बैलिस्टिक का बताया शुरू में ही अपन ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता दिया ये चीज़ ज्यादा इम्पेक्टफुल होती है ज्यादा रिवॉर्ड की जाती है गुड एग्जाम्पल क्रूज मिसाइल आपकी कॉपी बहुत प्रिसाइज होती है दिस इज रियली नाइस

वेरी गुड सारा डिटेल में बताया इससे सवाल आए हैं एमसीक्यूज आई जी एम डी पी बहुत इंपॉर्टेंट था डॉक्टर कलाम साहब का कॉन्ट्रीब्यूशन बैलिस्टिको सो गुड मिसाइल्स क्या होती है सिस्टम के कॉम्पोनेंट क्या होते हैं लुक एट द अप्रोच हर स्टूडेंट बताए यूनिक है उससे हमको सीखना चाहिए जो यूनिक चीज है जैसे इस कॉपी में भी कितनी अच्छी चीजें सीधा टू द पॉइंट जो कॉन्टेंट देखना चाहते हैं वो सीधा सामने मिल गया दिस हेल्प्स मिसाइल्स ऑफ इंडिया बताया सी ये सर्फेस टू एयर क्रूज है वेरी गुड वेरी नाइस सेकेंड ये पेज हम रीअरेंज करें जैसे पहले ये पार्ट आया है ना ये भी आपने बहुत एलेबोरेट वे में लिखा है ये ड्रैग हो जाता है जब आप अपलोड करते हो ना पाँच छः फोटो एक साथ दिखेंगे आप उसको ड्रैग करके रीअरेंज कर सकते हो कि फर्स्ट दिस सेकेंड दिस पार्ट्स ऑफ जैसे पेज नंबर टू है पार्ट ऑफ गोंडवाना कंटेंट इज रियली गुड आपने ये पूरा टॉपिक ही अच्छे से तैयार कर लिया है जोग्राफी का एक बहुत बड़ा पार्ट हो गया है मैप वर्क इज ऑल्सो नाइस फिजियोग्राफी बताया आपने फिर वेस्टर्न हिमालय ईस्टर्न हिमालय नॉर्दर्न प्लेन एक्सलेंट आइलैंड्स भी कवर हो गए सेंट्रल हाइलैंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो इंडियन एंड कोस्टल प्लेन वेरी गुड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विश्वजीत बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल आपने बताया गुड योर हैंड राइटिंग सो गुड बैलिस्टिक मिसाइल डायग्राम्स डायग्राम्स मतलब अच्छा है साइंस एंड टेक के हर सवाल में डायग्राम आना चाहिए बैलिस्टिक एंड क्रूज डायग्राम टैबोलेशन वेरी नाइस धनाक्षी दिस इज सो नाइस एम टी सी आर से स्टार्ट किया ब्रह्मोस को अपग्रेड कर रहे हैं अपन फिर टाइप्स ऑफ मिसाइल बताया ट्राई टू अपलोड इट लाइक वर्टिकली सो इंडियन क्रूज क्रूज मिसाइल है इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वेरी नाइस सारे डिटेल्स में आपने यहाँ पे बता दिए दिस इज वेरी वेरी गुड मुजमिल बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स के बारे में गुड स्टार्ट सारी पृथ्वी अग्नि सीरीज के बारे में बताया कलाम साहब का दिस इज ड्रीम एंड दिस इज निर्भय अस्त्रा वेरी गुड इससे सवाल आते हैं डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं दमन दिस इज सो नाइस बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है फैक्ट्स बताए टाइप्स बताए क्रूज वेरी गुड डिफरेंसेस भी क्लियर कर दिया यहाँ पे नाइस अभिषेक दिस इज सो गुड स्टार्टिंग में ही मैप आया है अच्छी बात है मैप हमेशा शुरू ही आ जाना चाहिए इससे उप महाद्वीप के बारे में बताया आपने आपका हिंदी राइटिंग भी बहुत अच्छा है पॉइंट्स भी बहुत अच्छे से लिखे हैं डे नंबर टू है कॉन्टिन्यू करना है हमें बैलिस्टिक और क्रूज के बारे में बताया टेक्नोलॉजी क्या है सी द डायग्राम दिस डायग्राम इज रियली नाइस प्रोजेक्टाइल फिर क्रूज के बारे में बताया वेल well डन शुभम वेरी गुड आंसर वंस अगेन बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है क्रूज क्या होती है और डिफरेंस टू द पॉइंट है कंटेंट एवरीथिंग इज सो नाइस रिफाइनमेंट बहुत अच्छा है इस कॉपी का मिसाइल सिस्टम बताया अग्नि सिस्टम बताया और सैटेलाइट वेपन ये इंडियन सब कॉन्टे नाउ सी दिस मैप ये मैप देखते ही समझ में आ गया कि दिस इज इंडियन सब ये मैप मिलते ही जो एक बेसिक मार्क्स है ना जैसे दस नंबर का था तीन या चार देना है वो शुरू में ही मिल गया अब जो आगे पढ़ेंगे तो और एक्स्ट्रा मार्क्स उसमें बढ़ते जाएंगे इसलिए डायग्राम बहुत जरूरी होता है जोग्राफी के सवालों में इंडियन सब कॉन्टिनें बताया रिवर मॉनसून सब कवर कर लिया यहाँ पेट क्लाइमेट प्रीतम आप भी बहुत अच्छे से आंसर लिखे हो दिस इज डे नंबर वन इसी तरीके से कंटिन्यू करना है मिसाइल्स क्या होती है गुड वन टू थ्री फोर अग्नि वेरी गुड जितना शॉर्ट और प्रेसाइज हम हो सकते हैं ना हमें कोशिश करनी है वर्बोसिटी नहीं रखनी है क्योंकि ये चीज आपको तब काम आएगी एक्चुअली आपको लिखना होगा ट्वेंटी क्वेश्चन इन थ्री आवर्स ऑफ टाइम जो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एट टाइम जितना precision होगा जितना स्पीड से लिख पाओगे और अच्छा प्रेजेंट कर पाओगे ना उतना ही आपको एडवांटेज होगा तो दिस इज गुड बैलिस्टिक एंड डायग्राम्स के थ्रू बताया वेरी नाइस nice. इसी तरीके से कॉन्टिन्यू करना है आलोक दिस इज गुड ट्राई टू अपलोड इट इन इन से वर्टिकल फॉर्म ओके तो मैंने इसको अलग से डाउनलोड करके ऐसे कर लिया है आपकी कॉपी तो so, दिस इज आलोक बैलिस्टिक इन क्रूज बताया आपने गुड बैलिस्टिक मिसाइल ट्रेजेक्ट्री बताया वेरी nice. based बेस्ड ऑन रेंज क्रूज मिसाइल एनसीसी के टाइम पे भी बहुत पढ़ते थे ऐसे कि मिसाइल्स कैसे वर्क कर रही है बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए तो दिस इज गुड क्रूज मिसाइल्स एटसेट्रा अब बस आइडिया ये है कि राइटिंग कंटिन्यू करना है जितना आप लिखोगे उतना आपको बेनिफिट होगा तो दिस इज काजोल वेरी नाइस वेरी नाइस कॉपी काजोल का कॉपी इज वन ऑफ द बेस्ट बहुत सिस्टमैटिकली कॉन्टेंट भी आता है यहाँ पे और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है जोग्राफी एंड ऑल फेंटेस्टिक सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बताया टाइप्स है डायग्राम होने चाहिए डिफेंस क्रूज वेरी गुड एम सी क्यू इससे बनेंगे निर्भय मिसाइल भी इंपॉर्टेंट है एम टी सी आर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट राम नरेश दिस डायग्राम इज सो नाइस बट हम मैप में ना एक्सिस में थोड़ा वर्क करें जैसे जै यहाँ था वर्टिकली ऊपर करें तो इधर लेफ्ट की तरफ टिंज नहीं है प्रियंका बैलिस्टिक मिसाइल शुरुआत ही हमने बहुत अच्छे से डिफरेंस के थ्रू किया बैलिस्टिक एंड क्रूज क्या होता है क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म भी बताया कॉम्पोनेंट एक्यूरेसी अग्नि मिसाइल धनुष मिसाइल प्रहार वेरी nice. नाइस सब तैयार हो गया एम भी हो गया निर्भय आई वेरी नाइस सो ये सारे सब हैं और इसी तरीके से हमें कंटिन्यू करना है और आज के लिए ये दो सवाल है सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ